कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। कैटेगरी सी में शामिल ममालिक की तादाद में इजाफे के साथ 23 ममालिक की नई फहरिस्त जारी की गई, जबकि भारत को भी सी कैटेगरी ममालिक में शामिल कर लिया गया है। सफरी पाबंदियों की मुदत में 24 अप्रैल तक तौसी भी कर दी गई है। बात करते हैं अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा कि और क्या क्या हिदायत जारी की गई है। इंडिया सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी किया, जिसके तहत कैटेगरी सी में शामिल ममालिक की तादाद में इजाफे के साथ 23 ममालिक की नई फहरिस्त जारी की है। भारत को भी सी कैटेगरी ममालिक में शामिल कर लिया गया है। सफरी पाबंदियों की मुदत में 24 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। कैटेगरी सी में जो है जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, जिम्बाब्वे, भारत, कीनिया, तंजानिया और दीगर ममालिक समेत जो है 23 ममालिक जो है उनके मुसाफिर को आने पर पाबंदी लगाई गई है। एनसीओसी के बगैर कैटेगरी सी में शामिल ममालिक के मुसाफिरों को पाकिस्तान आमद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इन ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी पासपोर्ट कार्ड पर होल्डर पाकिस्तान में वतन वापस नहीं आ सकेंगे। इसके साथ जो है कैटेगरी की तादाद कर दी गई है। कैटेगरी ए में शामिल ऑस्ट्रेलिया, भूटान, चीन, जापान, सऊदी अरब, इन ममालिक आने वालों को कोरोना टेस्ट लाजमी कराना नहीं होगा। कैटेगरी बी के ममालिक के मुसाफिरों को पीसीआर टेस्ट जो है उनका दौरानिया भारत